करनाल में किसानों के समर्थन में पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी आगे आई है। आपको बता दें कि एसोसिएशन द्वारा किसानों के भारत बंद के ऐलान पर पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि 8 दिसंबर को करनाल सहित हरियाणा भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, 3 बजे तक पेट्रोल पंप बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में पेट्रोल पंप बंद किए जा रहे हैं। करनाल असंध से कांग्रेस विधायक व ऑल इंडिया पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पूर्व प्रधान शमशेर सिंह गोगी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि देश भर में कृषि कानून को लेकर गुस्सा है। सरकार किसानों पर काला कानून थोप रही है जो निंदनीय है। समाचार एक्सप्रेस से रूबरू होते हुए विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से ही किसानों के साथ है और जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक कांग्रेस ही समर्थन में खड़े रहेंगे। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रीति कादर्ण। तो किसानों का जो आंदोलन है दिल्ली में उसको आज लगभग 11 दिन हो चुके हैं। हमारे साथ असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हैं क्योंकि ये पेट्रोल एसोसिएशन के भी प्रधान है और कल भारत बंद किया गया है और इनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि कल इनके सभी पेट्रोल पंप जो है बंद रहेंगे। तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। हमने जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उन एसोसिएशन के प्रधान और जो कोर कमेटी है हमारी हरियाणा की, उन्होंने सबने मिल के ये फैसला किया है कि हम किसानों के समर्थन में जो ये काले कानून बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनके खिलाफ उनके बंद में शामिल होंगे और हम भी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है पेट्रोल पंप जो है बंद रखेंगे। ऐसा हमारा मतलब जो है सॉलिडरिटी देने के लिए किसान को, उनका समर्थन करने के, उनके दुख में शामिल होने के लिए ऐसा फैसला किया है। सर, बीजेपी सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस सरकार है वो हरियाणा के किसानों को भड़का कर दिल्ली में भेज रही है, आप क्या कहेंगे इसके? ये तो किसानों के विवेक पे सवाल उठा रही है। बीजेपी वालों को क्या पता खेती कैसे होती है? किसान को पता है, जो दिन रात वहाँ पे मरता है उसको पता खेती कैसे होती है। और कांग्रेस के भड़काने से अगर किसान ऐसा कर रहे हैं तो बीजेपी को तो शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं, कांग्रेसी भी तो किसान है, मैं कांग्रेसी भी हूँ लेकिन मैं पहले किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बोलूँगा क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये थोड़ी है, ये बीजेपी के ये धनखड़ वगैरह कहते हैं हम किसान हैं, कहाँ के किसान हैं वो? मतलब बात तो वो बोलते हैं अंबानी अडानी की और कहते अपने आप को किसान है। किसान का बेटा आज के दिन क्या पहले क्या एक सर छोटू राम बहुत बड़े नेता हुए किसानों के, उनसे बड़ा नेता आज तक नहीं हुआ। वो अपने हाथ से लिख के गए थे कि किसान के बेटे का आरएसएस में और बीजेपी में कोई काम नहीं है। तो मैं अभी भी सब किसानों को और जो खास करके किसान और किसान के बेटे बीजेपी और आरएसएस में हैं उनको कहता हूँ कि जब हमारे नेता जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं वो कह के गए हैं तो जो किसान का बीज है उसका आरएसएस और बीजेपी में कोई काम नहीं है। ये तो नफरत फैलाने वाली, देश के अंदर जात पात और धर्म पे लड़ाने वाली पार्टी है, इसमें किसान का कोई काम नहीं है। क्योंकि किसान किसी जाति का नहीं है, 36 बरादरी का किसान है, सभी धर्मों में किसान है। तो किसान को बरगलाने का काम कांग्रेस नहीं, जो इनकी नीयत और नीति में खोट है बीजेपी, उसने उनको मतलब भड़काया है। उनके जलते पे पहले ही किसान दुखी था, सुसाइड कर रहा था, उनके जलते पे नमक डाला इन्होंने। इसलिए किसान जो है भ्रमित नहीं है, किसान अपने हक के प्रति जागरूक है, पढ़ा लिखा है, सियाणा है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो अडानी और अंबानी के दबाव में भ्रमित है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या और कितना सहयोग दिया जा रहा है किसानों को? कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे का पूरा समर्थन जो है वो किसानों के साथ है। लेकिन हमने अभी तक नहीं देखा कि कांग्रेस का कोई नेता वहाँ दिल्ली पहुँचकर किसानों के साथ बैठे। आपने देखा नहीं, मैं तो पानीपत भी गया, पहले दिन भी गया, अगले दिन सुबह उनको चालू करके भी आया, वहाँ शैलजा जी भी आई जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुरजेवाला जी भी आए और अब भी मैं जा रहा हूँ सीधा। सर, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली बॉर्डर पर ही जा रहा हूँ।
वहाँ ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर किसान का बेटा जागरूक हो जाए तो मध्यावधि चुनाव की क्या जरूरत है, किसान की सरकार ही नहीं बन जाएगी। जेजेपी वालों का बारे में कुछ कहने की जरूरत है? वैसे जेजेपी वालों को तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या वो किसान के बेटे हैं भी, चौधरी देवीलाल के वारिस हैं भी या नहीं। सर कल जो भारत बंद रहेगा वो कितना लगता है आपको, कितना सफल हो पाएगा? क्या पूरा, पूरी जनता उसके साथ है। ये लड़ाई बेशक किसान आगे होके लड़ रहा हो, लेकिन ये लड़ाई जो है सच्चाई में ये देश की जनता की लड़ाई है। क्योंकि अडानी अंबानी के पास जो स्टॉक इकट्ठा होगा, जब वो वापस खरीदोगे, आपके पास खेती नहीं है, आप तो दाने खरीद के खाओगे। वो 2000 में क्विंटल खरीद के 20000 में क्विंटल बेचेगा। तो आम जनता का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को किसान लड़ रहा है, और इसीलिए आम जनता की सिंपथी जो है वो किसान के साथ है। अब पूरा देश एकजुट होके इसको जन आंदोलन बना के लड़ रहा है। तो सर क्या कल के बाद सरकार मानेगी किसानों की मांग? माननी पड़ेगी। अगर किसान की बात सरकार ने नहीं मानी तो देश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर देश का अन्नदाता ही मर जाएगा तो फिर देश चलेगा कैसे? अंग्रेज भी किसान के आगे कभी ऐसे जिद नहीं करी। अंग्रेजों ने भी जब एक बार सर छोटू राम ने ये कह दिया था भी अगर आप सही भाव नहीं दोगे, सही सुरक्षा नहीं दोगे किसान को, तो वो अपनी फसल जला देगा। तो अंग्रेजों ने भी हाथ जोड़ के वापस ले लिए थे सब कुछ अपने ऑर्डर, और उन्होंने कहा था कि हम किसानों के साथ देंगे। किसान मर गया तो देश मर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सरकार तो अंग्रेजों से भी बुरी है, ये बात ही नहीं सुख कर रही सीधे में। बिल्कुल सर की जो एक बात वो मुझे भी अच्छी लगी कि अगर किसान मर गया तो देश में कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि किसान एक एक किसान ही ऐसा है जो कि पूरे के पूरे देश को अपनी मेहनत से फसल उगा के पूरे देश का पेट भरता है। तो सर ने बताया, विधायक साहब ने कहा कि किसानों के साथ इनका पूर्ण समर्थन है, कांग्रेस के पार्टी की तरफ से पूरा का पूरा समर्थन दिया जाएगा, और कल इनके सारे पेट्रोल पंप भी 3 बजे तक पूरे के पूरे बंद रहेंगे। कल भारत बंद है, इनकी तरफ से पूरा का पूरा समर्थन भारत बंद को दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ मैं प्रीति कादन, नमस्कार। खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.